हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रसिलास किचन। कैसे आप सब लोग फ्रेंड्स के इधर मेरा फैशन शो चालू है, तो कौन सा भी ड्रेस पहनेगा तो पहला देखती हूँ कितना मेरा ड्रेस अभी लूज़ हुआ है करके। पहले से मैं ये ऑल्ट्रेशन किया हुआ है और भी अभी थोड़ा लूज़ हो गए तो मैं देख रही थी। चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ वॉकिंग के लिए। तो आजकल अभी 3 दिन हो गया मैं बाहर वॉकिंग के लिए जा रही हूँ, नहीं तो बाहर नहीं जाती थी ना। तो मैं तो लिफ्ट का बटन तो प्रेस कर दिया, उसके बाद मुझे ऐसा लगा नहीं वॉकिंग के लिए जा रही तो मैं चलो स्टेयरकेस से जाती हूँ। तो ऐसा तो वॉकिंग के लिए जा रहे तो और भी अच्छा है ना, थोड़ा एक्सरसाइज ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा भी अक्षय कुमार बोलते हैं ना, कितना आप लोग सीढ़ी स्टेयरकेस यूज़ कर सकते हो उतना यूज़ कीजिए, ज़्यादा लिफ्ट मत यूज़ कीजिए करके। तो मैं वो ही थोड़ा फॉलो कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आजकल मैं थोड़ा लेट ही जा रही हूँ वॉकिंग के लिए। आज तो मैं 8 बजे गई हूँ, नहीं तो मैं कल तो 7:45 गई हूँ। पहला मैं 5:45 का अलार्म लगाती थी, 6 o'clock चली जाती, 7:30 तक मैं घर पर आ जाती, 7:30 को तो पानी आते तो मैं आ जाती थी। अभी क्या होते पहले ठंडी ये करके बीच में नहीं जाती थी ना, और थोड़ा अंधेरा भी रहता है। मैं किधर जाती हूँ ना तो उधर वो थोड़ा इंटीरियर प्लेस है, तो 6 o'clock मीन्स थोड़ा अंधेरा रहता है। तो ऐसे तो 6:30 के बाद बहुत जना आते हैं, मुझे 6:30 के बाद तो जा सकती हूँ, बट क्या होता है 6:30 को जाएगा तो मैं भाग भाग के आना पड़ता है, क्योंकि 7:30 को पानी आ जाता है। तो थोड़ा पानी भरने का भी रहता है ना, भरने का कुछ नहीं, कॉक ऑन करना ऑफ करना रहता है, तो उसके लिए बंद करना रहता है। तो मैं पानी वगैरह भर के बाद में जाती हूँ आजकल। तो 7:30 पानी आता है तो 7:45 तक वो जाते हैं पानी, तो मैं भर जाते टैंक, तो मैं चली जाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, उधर से आने के बाद मैं अभी थोड़ा सा रन कर रही थी सीढ़ी पे, इधर के इधर ही मेरा घर के सामने थोड़ा मैंने एक्सरसाइज कर दिया, ज़्यादा नहीं 15 मिनट ही किया, ज़्यादा नहीं किया, 1 आवर मैंने वॉक करके आई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, वॉक से आने के बाद मैंने बादाम भिगाए थे आज ही, आज से मैंने 2 दिन से मैं बादाम भिगाने के लिए भूल गई थी, रात को याद से भिगाई थी, उसमें आज ड्राई ग्रेप्स भी डाल दिया। डायरेक्ट मैं ड्राई ग्रेप्स में नहीं खाती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा ही मीठा रहता है ना, और भिगा के भी नहीं खाती हूँ वो। मैं हस्बैंड के लिए मैंने आज भिगाई थी, मेरे हस्बैंड और बच्चे के लिए देने के लिए, तो क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा ही शुगरी लगता है, तो मुझे डर लगता है वो खाने के लिए ड्राई ग्रेप्स, तो इसके लिए मैं नहीं खाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर मैं मेथी दाना का पानी भी गर्म करके लिया, तो वो पहला पी लेगी, उसके बाद दो ग्लास गर्म पानी पिएगी, उसके बाद में थोड़ा 5 बादाम खाएगी। उसके बाद देखिए मेरा आज का ब्रेकफास्ट था, आज मैंने सेवैया का उपमा बनाई थी, इसमें वेजिटेबल्स भी डाल के, मिक्स वेजिटेबल डाल के भी बनाती हूँ, बट आज वेजिटेबल्स वगैरह कट करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने डायरेक्ट बना दिया इसे। मेरे हस्बैंड को तो प्लेन ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, ये मैदा वाला नहीं है, ये वीट है, गेहूँ का है। तो फ्रेंड्स, आप मैदा का सेवैया मत यूज़ कीजिए, गेहूँ का मिलता है पतंजलि में वो, नहीं तो रागी का भी मिलता है आजकल, वो मिलेगा तो आप यूज़ कीजिए। मेरा ब्रेकफास्ट हुआ था तो मैं ब्लैक कॉफ़ी के साथ मैंने सेवैया उपमा ली थी। उसके बाद देखिए इधर मैं बना रही हूँ आज सोयाबीन का पुलाव बना रही हूँ, सोयाबीन, ग्रीन पीस और कैप्सिकम और बीन्स था, वो सब डाल के मैंने अच्छा खासा हेल्दी एक पुलाव बना रही हूँ। मैं बिरयानी मसाला डाली हूँ उसमें। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं क्या करेगी, सोयाबीन वगैरह सब मसाला डालने के बाद थोड़ा निकाल के रखेगी, उसमें मैं शाम को दलिया डाल के थोड़ा मेरे लिए पुलाव बनाएगी डिनर के लिए। तो मीन्स उसमें दलिया डाल देगी, उतना ही मसाला वगैरह पूरा इसमें डाला हुआ है ना अभी, देखिए इसमें से निकाल के अभी थोड़ा रख देगी मैं, तो राइस डालने से पहले थोड़ा निकाल के मैं रख देती हूँ। ऐसे मैं थोड़ा दिमाग यूज़ करती हूँ, क्योंकि शाम के लिए, रात के डिनर के लिए मुझे हेल्दी कुछ चाहिए ना, इसके लिए मैं इजी वे से कुछ ना कुछ काम निकाल देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने निकाल के रख दिया चावल डालने से पहले। फ्रेंड्स, मुझे ऐसे क्वेश्चन आते तो चावल खा सकते हैं क्या वेट लॉस जर्नी में, तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने तो पूरा वेट लॉस जर्नी में वेट लॉस करने के लिए उन्होंने पूरा चावल ही छोड़ दी थी, अभी मुझे मेरा वीडियो देख के वो चावल खाने लगी है। चावल खा सकते हो, ओनली पोषण कंट्रोल का ध्यान रखने का। तो मैं भी पूरा मैं 25 किलो में वेट लूज़ की हूँ, तभी भी खाती थी, अभी भी मैं खा रही हूँ चावल, ओनली मैं पोषण कंट्रोल का ध्यान रखती हूँ। आप लोग को पता ही है, मैं बता चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ एवरी वीडियो में, मेरा ईटिंग रूटीन में दिखाती हूँ। ओनली मैं रात के लिए मैं कुछ ना कुछ अलग से बना के खाती हूँ, अलग से मतलब ऐसा कुछ मैं स्पेशल बना के नहीं खाती हूँ। आप लोग को पता है ओनली राइस नहीं खाती हूँ मैं, रोटी रागी चावल बाजरा का रोटी बना के खाती हूँ, नहीं तो कुछ दलिया का कुछ मिक्स वेजिटेबल पुलाव ऐसा कुछ बना के खाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी काम कर रही थी बट मेरा टाइम हुआ था पानी पीने का, सब काम मैंने उधर ही स्टॉप कर दिया, मैं अभी
पलट के अच्छे से सिप सिप करके पानी पहला मैंने पी लिया। आप भी आपके वेट लॉस जर्नी में पानी, अच्छा खासा पानी पीजिए, पानी से भी आपका वेट लॉस जर्नी में अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है। तो हम लोग कितना बार हम लोग यूरिन फास्ट करने के लिए जाते हैं ना, उतनी अच्छा है, तो हम लोग का वेट भी उतना ही लूज होएगा। तो फ्रेंड्स पानी पीना मत भूलिए, पानी का भी ध्यान, आप खाने का कैसा ध्यान रखते हैं ऐसे पानी का भी ध्यान रखिए। तो सिप सिप करके आराम से बैठ के पानी पीने का, खड़े होके पानी नहीं पीने का। वेट लूज करने के लिए आप चावल और रोटी ये सब छोड़ने का जरूरत नहीं है, ओनली छोड़ने का आपको शुगर आइटम खाना, शुगर यही छोड़ने का मतलब ओनली शुगर। मैं मेरा डाइट में नहीं खाती हूँ, मतलब शुगर ही नहीं खाती हूँ, शुगर के बाद सब कुछ खाती हूँ, ओनली पोषण कंट्रोल का ध्यान रख के मैं खाती हूँ। तो शुगर ऐसा चीज़ है, आपको शुगर के बदले में आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हो, हनी भी है, ये सब चीज़ है हम लोग को यूज़ करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग लाइफ लॉन्ग तक नहीं तो लॉन्ग पीरियड तक हम लोग ये फॉलो कर सकते, वो छोड़ के क्या शुगर छोड़ के हम लोग रह सकते, बट राइस चपाती ये सब हम लोग लॉन्ग पीरियड तक छोड़ के नहीं रह सकते, क्योंकि हम तो इंडियन है, तो थोड़ा टाइम तो रह सकते, बाद में उसके बाद फिर से हम लोग रेगुलर डाइट में आएगा तो हम लोग का वेट फिर से गेन होएगा। इससे अच्छा सब कुछ खा के, पोषण कंट्रोल में खा के, बैलेंस डाइट करके आप वेट लूज़ कीजिए, वो लॉन्ग पीरियड तक रहेगा। तो मैं तो ऐसे की हूँ, इसके लिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं आज पुलाव बनाई थी ना, मेरे हस्बैंड अभी पुलाव खा रहे, तो खुद वही परोस के लिया है। तो मेरा हस्बैंड का एक अच्छा है, उनको कुछ भी हाथ में देने का जरूरत नहीं है, सब कुछ वो उनका खुद का काम खुद कर लेते हैं। तो कॉफ़ी चाहिए तो कॉफ़ी, पानी चाहिए तो पानी, खाना परोस के खाना खुद, और ये सब अच्छा है उनका, सब कुछ काम उनका खुद का काम खुद कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा लंच पोषण कंट्रोल ताली है, आज सोयाबीन पुलाव वेजिटेबल डाल के, मिक्स वेजिटेबल डाल के बनाई थी, उसमें थोड़ा सा मेरा चटनी था हल्का और ऑनियन कोचंबर था, रायता बनाई थी। देखिए फ्रेंड्स, पोषण कंट्रोल मीन्स उतना ही खाने का, उससे ज़्यादा नहीं खाने का। आप चाहे तो सलाद ज़्यादा ले सकते हो, बट मैं सलाद नहीं बनाई थी आज। उसके मैं तीन बजे का अलार्म लगा के रखती हूँ बीटरूट जूस पीने के लिए, बीटरूट जूस बना के पी थी, वो रेसिपी आज आप लोग से शेयर कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये पिएगा तो बहुत ही देर तक आपका पेट भरा हुआ रहता है, आप लोग बोलते हैं ना ज़्यादा भूख लगता है करके, तभी आप सलाद नहीं तो ऐसे जूस वगैरह बना के पीजिए, तो आपको बाद में भूख नहीं लगेगा। देखिए बाद में मैंने 5 बजे ब्लैक कॉफ़ी पी थी, उसके साथ कुछ नहीं खाई थी। ये डिनर के लिए मैंने सुबह थोड़ा अभी दलिया का पुलाव बना रही हूँ। पुलाव के लिए मैं देखिए दोपहर को ही पुलाव बनाई थी, तभी सोयाबीन मिक्स वेजिटेबल मसाला डालने के बाद मैंने राइस डालने से पहले निकाल के रखी थी ना, उसमें अभी थोड़ा सा दलिया मैंने वॉश करके डाल दिया, थोड़ा नमक डाल के मैंने अभी पका के लिया उसको। उसमें मैंने कुछ भी मसाला नहीं ऐड की थी, क्योंकि ऑलरेडी मसाला डाला हुआ है ना दोपहर को, तो इसके लिए। तो ये मेरा पोषण कंट्रोल डिनर है, इससे ज़्यादा मैं नहीं खाएगी, और इसके बाद भी कुछ नहीं खाएगी, ओनली मैं गर्म पानी पिएगी। अभी 2 दिन से मैं फैट कटर ड्रिंक नहीं पी रही हूँ, क्योंकि ईट हुआ। चलिए फ्रेंड्स, अभी तो मैं वीडियो इधर ही एंड करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे बाजार भी जाना है, आज वेनसडे बाजार है, तो वेनसडे बाजार जा रही हूँ। अभी 8:30 हो गया, अभी तक मैं वीडियो एडिटिंग और वॉइस ओवर कर रही थी, तो अभी आने के बाद मैं फैट कटर ड्रिंक नहीं पीने वाली हूँ आज, क्योंकि अभी 2 दिन से फैट कटर ड्रिंक नहीं पी रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा मैं अदरक का पानी पीती थी ना रात को फैट कटर ड्रिंक, तो वो थोड़ा बॉडी ईट हो गया है, तो अभी मैं थोड़ा गैप देगी, ऐसे करेगी मैं 1 हफ्ता 10 दिन पिएगी, उसके बाद मैं ब्रेक देती हूँ, फिर से मैं शुरू करेगी। ऐसे अभी मैं थोड़ा दिन ब्रेक देगी, उसके बाद मैं स्टार्ट करेगी फिर से कुछ ना कुछ फैट कटर ड्रिंक पीने के लिए। अभी सुबह तो पी रही हूँ, मेथी दाना का पानी पी रही हूँ, वो आप लोग से शेयर कर रही हूँ ना। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।